नमस्कार साथियों, हिंद 24 टीवी में आपका स्वागत है। अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में सिधवन माता वैष्णो देवी का प्राचीनतम मंदिर आस्था का केंद्र। ये आस्था का केंद्र जौनपुर जिले से भदोही मार्ग पर लगभग 35 किलोमीटर दूर और भदोही से 7 किलोमीटर पहले पड़ता है। ये माता वैष्णो देवी मंदिर का इतिहास तो कोई नहीं बता सका, लेकिन फिर भी वहाँ के व्यवस्थापक बताते हैं कि सन 1994 में इसका जीर्णोद्धार किया गया और काफी दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी लोग मानते हैं माँ उसकी मुरादें पूरी करती हैं। लोग बताते हैं कि यहाँ शादियाँ भी बहुत होती हैं और लोग मान्यता पूरी करने के लिए माता को कड़ाही भी चढ़ाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु, क्योंकि इस समय कोविड-19 चल रहा है, इसलिए काफी सुरक्षा की दृष्टिकोण से यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये मंदिर के मुख्य पुजारी हैं जो इस बारे में कुछ बता रहे हैं। सुनिए उनकी बातें। आप यहाँ के मुख्य पुजारी हैं जी? कब से हैं आप? अरे 94 से संस्था हम लोग चला रहे हैं। यहाँ काफी मान्यता है माँ वैष्णो देवी की। माँ वैष्णो देवी की मान्यता बहुत है, हजारों वर्ष पुरानी मंदिर है ये जी। लेकिन 94 से चला रहे हैं और सबकी मनोकामनाएं माई फ्रोड करती है, इसलिए यहाँ मेला लगता है। मंगलवार को ज्यादा मेला रहता है और दर दिन भक्त दर्शन करते हैं। क्या सुनवा बताया आपने? हमारा नाम शिव शंकर मिश्रा, पिताजी का नाम राम नरेश मिश्रा। बताया जाता है कि यहाँ कई जनपदों से श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मन्नतें मानते हैं, जिसको माता रानी पूरा करती हैं। सुरक्षा की दृष्टिकोण से यहाँ पुलिस भी तैनात रहती है मंदिर की सुरक्षा के लिए। और मंदिर के चारों तरफ दुकानदार अपनी दुकानें लगाए रहते हैं, मेला जैसा लगा रहता है। क्योंकि कोविड-19 के चलते थोड़ा इस बार नवरात्र में श्रद्धालुओं में कमी आई है, नहीं तो बताया जाता है कि ये सिधवन में स्थित माता वैष्णो देवी के मंदिर में काफी भीड़ लगी रहती है दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की। इस माता के मंदिर की पूरी जिम्मेदारी व्यवस्थापक ओम प्रकाश मिश्रा जी के कंधों पर है। और आइए चलते हैं हम व्यवस्थापक ओम प्रकाश मिश्रा जी से ही कुछ जानकारी लेते हैं। पंडित जी का शुभ नाम? ओम प्रकाश मिश्रा। मिश्रा जी, ये बतावाएं, ये माँ वैष्णो देवी का सिद्ध स्थापित मंदिर काफी प्रसिद्ध है, कुछ बतावाएं इसके बारे में। कब से ये स्थापित है, किसने किया है? इसकी स्थापना तो कोई बता नहीं सकता। अच्छा, लोग कहते हैं कि परशुराम के जो है कि हाथों से यह स्थापित है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार अभी कुछ विगत लगभग 25-30 सालों से कुछ ज़्यादा हुआ है। और मंदिर का ऐसे कार्यक्रम आप लोगों के जो है कि माध्यम से चल रहा है। सिधवन जी सिधवन काफ़ी यहाँ देख रहे हैं कि भक्तगण बहुत आते हैं यहाँ काफ़ी। जी पुलिस प्रशासन भी है और अभी ये जो कोविड वाला चल रहा है ये अभी एक समस्या है। आप देख रहे हैं कि इधर सब बना है, सोशल डिस्टेंस बना है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वास्क भी हम लोग जो है 100 मास्क 200 मास्क डेली यहाँ वितरित करते हैं। इसके बाद सैनिटाइजर है। काफी दूर दूर से यहाँ आते हैं सब? जी बहुत दूर से, यहाँ लगभग 50-60 किलोमीटर के एरिया से जरूर आते हैं। शादियाँ वही यहाँ भी काफी संपन्न होती है पता लगा है? जी शादियाँ भी होती है, अभी कल ही 2 शादी थी यहाँ पे और लोग आते हैं, किसी को कोई असुविधा नहीं है, सब माता जी का दरबार है यहाँ, सब लोग अपना कार्यक्रम करते हैं और जाते हैं।